नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं अमर उजाला। प्रसिद्ध कथावाचक के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत की गई है। प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ ये शिकायत की गई है। उन पर आरोप है कि वो अपनी कथाओं में पार्टी विशेष के लिए मतदान करने की बात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव तक उनकी कथाओं पर रोक लगाने की भी मांग की गई है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की ये शिकायत दर्ज कराई। पार्टी का आरोप है कथावाचक प्रदीप मिश्रा द्वारा अपनी धार्मिक कथाओं में पार्टी विशेष और एक नेता का नाम लेकर वोट देने की अपील करने और पार्टी विशेष के नेताओं को बुलाकर धर्म का राजनीतिकरण कर रहे हैं। जिला कांग्रेस के पूर्व महासचिव पंकज शर्मा ने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नाम संबोधित एक पत्र कलेक्टर कार्यालय में दिया और कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराई। शर्मा ने कहा कि पिछले दिनों सीहोर के कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने एक कथा महाराष्ट्र के परतवाड़ा में की थी, जिसके पहले दिन 6 मई को प्रदीप मिश्रा ने सीधे सीधे एक धार्मिक आयोजन में प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया और उनके लिए वोट मांगे, जो कि चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन है और संविधान विरोधी। इस कथा में आखिरी दिन 12 मई को अमरावती के निर्दलीय सांसद और भाजपा सांसद प्रत्याशी नवनीत राणा ने भी इस कथा में धर्म के नाम पर वोट मांगे और भाषण दिया, जिसके लिए इन दोनों के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किए जाने की मांग उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त से की। पंकज शर्मा ने आगे कहा कि कथावाचक प्रदीप मिश्रा पहले भी देश के संविधान को बदलने, लोकतंत्र को खत्म करने और हिंदू राष्ट्र बनाने संबंधी अनर्गल बयान देते रहे हैं। इनका देश के लोकतंत्र और संविधान में कोई विश्वास नहीं है और ये जानबूझकर अपनी धार्मिक कथाओं में भाजपा नेताओं को बुलाकर धर्म के नाम पर वोट मांगकर भोली भाली जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। परतवाड़ा की कथा में भी उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम पर और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगकर भाजपा सांसद प्रत्याशी को बुलाया। धर्म का राजनीतिकरण करने पर प्रदीप मिश्रा और नवनीत राणा पर आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा कायम कर लोकसभा चुनाव समाप्त होने तक प्रदीप मिश्रा की सभी कथाओं पर रोक लगाए जाने की भी मांग की गई। उनसे धर्म का राजनीतिकरण करने पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का निर्देश भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए जाने और नवनीत राणा का नामांकन पत्र खारिज किए जाने की भी मांग जो है पंकज शर्मा ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त से की है। इस संबंध में कथावाचक प्रदीप मिश्रा की तरफ से विठलेश सेवा समिति ने आरोपों का जवाब दिया। समिति के समीर शुक्ला ने कहा कि पंडित जी ने किसी पार्टी विशेष को वोट देने के लिए नहीं कहा था, उन्होंने सनातन के लिए मतदान करने की बात कही थी। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, अमरउजाला.com।